इस वक्त हम ऑल इंडिया इमाम फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब आरिफ कासमी साहब के पास मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि जैसे कि वक्फ बोर्ड पे अब चेयरमैन अमानतुल्लाह खान साहब आ चुके हैं और जो इमामों की तनख्वाहों का मसला था वो रुका हुआ था और हल्के हल्के वो तनख्वाहें मिल भी रही हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि कितने महीने की तनख्वाह रुकी हुई थी और किन किन लोगों को मिली है और जो प्राइवेट मस्जिद के इमाम हैं उनको कितने महीने की तनख्वाह मिल रही है और इसका कैसे मसला हल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और जनाब रामिश साहब सियासी तकदीर से, मैं सबसे पहले आपकी इस जद्दोजहद को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने इस छोटे से वक्त में अपना एक मकाम बनाया। उससे पहले भी आपकी बहुत सारी कुर्बानियाँ रही हैं लेकिन आजकल आप मौलाना मुस्तकीम साहब के सियासी तकदीर वाले अखबार की एक कंपनी के साथ जुड़े हैं और अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत सारी तरक्यात से नवाजे। अभी आपने दो सवाल किए हैं, नंबर एक के अमानतुल्लाह खान साहब जो तीसरी बार चेयरमैन बने हैं, इमामों की सैलरी तनख्वाह जो रुकी हुई थी वो दी क्या नहीं। मसला ये है कि अमानतुल्लाह खान साहब एक ऐसा मुजाहिद लीडर है, एक ऐसा बेबाक लीडर है, एक ऐसा ईमानदार लीडर है कि उसको सियासत से दूर दूर तक कोई उसका रिश्ता नहीं है। वो ऐसी सच्ची सियासत करता है जैसा कि हमारे बुज़ुर्गों ने और उलमा ने और हमारे काबिरीन ने की। जो आजकल के सियासत है फूट डालो राज करो, इस तरह की सियासत वो नहीं करते। जो सच्ची पक्की और हकीकी जो सियासत होती है उसको करते हैं। तनख्वाह वाला जो मसला है, तनख्वाह जो रुकती है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसकी वजह से रुक जाती है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी अतबार से जो सीईओ साहब होते हैं वो भी मजबूर होते हैं और कुछ इस तरह की पेचीदगी आ जाती हैं जो बोर्ड को उसको सोल्व करना पड़ता है। जैसे बोर्ड सोल्व कर देता है तो वो सारी तनख्वाहें आ जाती हैं। तनख्वाहें रुकी थी 5 महीनों की, तो अमानतुल्लाह खान साहब जैसे ही बैठे थे बैठते ही उन्होंने हफ्ते भर के अंदर तमाम 5 महीनों की तनख्वाहों को जारी कर दिया था, नंबर एक। नंबर दो, अभी जो आप बता रहे हैं कि प्राइवेट लोगों की जो तनख्वाहें हैं, प्राइवेट इमामों की, प्राइवेट इमाम तकरीबन इमाम मुअज्जिन मिलाकर के पूरी दिल्ली में 2500 हैं, 1453 मस्जिदें हैं जिसमें कुछ वक्फ बोर्ड की हैं, कुछ आसार कदीमा की हैं और 1167 या 66 के आसपास प्राइवेट मस्जिदें हैं दिल्ली में, पूरी दिल्ली में, सारे इलाकों में। तो ये जो प्राइवेट मस्जिद हैं उनके दोनों इमाम और मुअज्जिनों को मिलाकर के 2500 लोग होते हैं, उनको वक्फ बोर्ड तनख्वाह नहीं देता है। आप जैसे लोगों ने उसको तनख्वाह कह करके एक मसला पेचीदा बना दिया है। एक तो तनख्वाह नहीं दे सकता वक्फ बोर्ड किसी को भी, तनख्वाह तो वो ऐसे बोर्ड से या किसी एक ऐसे इदारे से आप मांग सकते हैं जो सरकारी इदारा हो और सामने वाला भी सरकारी हो। चूँकि जो अइमा हजरात हैं 2500 अइमा मुअज्जिनीन, ये सिर्फ प्राइवेट हैं, इसको तनख्वाह नहीं दे सकता वक्फ बोर्ड, इनको वजीफा दिया जाता है। बहुत सारे इमाम ऐसे नहीं, जैसा कि मैं ये कहना चाह रहा था कि हम तो कह रहे हैं लेकिन अमानत भाई ने भी और बहुत सोने कहा है कि इनको तनख्वाह, जो प्राइवेट इमाम है उन्होंने भी ये कहा है कि तनख्वाह दी जाएगी। वजीफे का तो खैर आप जिक्र कर रहे हो और हो सकता है वजीफा ये बात में सच्चाई है, लेकिन जो प्राइवेट लोग होते हैं इलाके के वो भी उन लोगों को तनख्वाह देते हैं, उसको तनख्वाही कहा जाता है चाहे वजीफे की सूरत में कहे या तनख्वाह की। देखिए तनख्वाह का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर उसकी जो उजरत है वो दी जाए, और वजीफा का मतलब है कि उसकी मुआवनत की जाए, उसकी मदद की जाए। जैसा कि बहुत सारे इमाम दिल्ली 6 में ऐसे थे, किसी की 3500 रुपये महाना तनख्वाह है, किसी की 1500 रुपये है, किसी की 7000 है, किसी की 6000 है, बच्चे हैं 3-3, 2-2, 4-4, 5-5, तो उनके अखराजात नहीं चल सकते थे। तो चेयरमैन अमानतुल्लाह खान साहब ने जो तमाम मेरे जरिए से और इंडिया इमाम फाउंडेशन के जरिए से तमाम मस्जिद का सर्वे कराया तो आंखों में आंसू आ गए कि ये लोग कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं और कैसे गुजर बसर कर सकते हैं। तो उनको मुआवजे के बतौर इमाम को 14000 और मुअज्जिनीन को 12000 रुपये महाना 2019 में सितंबर अक्टूबर में दिया था। जैसे ही नवंबर दिसंबर की देने वाले थे तो अचानक आचार संहिता लग गई थी, इलेक्शन होने वाला था। जब आचार संहिता लग गई तो फिर उसको नहीं दे पाए उस वजीफे को। उसके बाद फिर जब देने का नंबर आया तो इलेक्शन में जब जीते दोबारा से, आप ये कह रहे थे कि सरकारी इदारा देता है लेकिन वक्फ बोर्ड तो सरकारी इदारा नहीं है, फिर उसने आचार संहिता क्यों लगाई?
मैं बता रहा हूँ, वक्फ बोर्ड सरकारी इदारा है, सरकार के अंडर चलता है लेकिन ऑटोनोमस बॉडी, सरकार उसको एड देती है, सरकार उसको फंड देती है, ठीक है। तो जैसे ही वो आचार संहिता लगी तो मामला रुका। जब दूसरी बार अमानतुल्ला खान साहब विधायक का इलेक्शन जीत करके आए तो फिर ये मसला हुआ कि इनको जो उनका बचा हुआ वजीफा है जो मुस्तकिल दिया जाएगा वो दिया जाए। तो जैसे ही इस मामले को देने की तरफ जो एक बढ़त हुई थी, जो कोशिश हुई थी, तो फौरी तौर पर हमारे ही कुछ लोगों ने उनकी मुखालिफतें की जी जी, और वक्फ बोर्ड को भंग करा दिया, मतलब अमानतुल्ला साहब की जो मेंबरशिप थी उसको ख़त्म करा दिया था कि ये नहीं कर सकते इस तरह के काम को। उसके बाद फिर आजकल चूंकि लॉकडाउन का मसला हो गया था, 23 मार्च में आप सबको पता है कि 23 मार्च में लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन में सारे ही दफातर बंद हो गए थे, तमाम जितनी भी आमद रफ्त थी इंसानों की सब बंद हो गई थी। तो अब जब तीसरी बार बने हैं तो फौरी तौर पर अमानतुल्ला खान साहब ने वो नवंबर दिसंबर 2019 का जो वजीफा चला आ रहा है, सितंबर अक्टूबर का दिया था, अब नवंबर दिसंबर 2019 का 2 महीने का वजीफा वो दे चुके हैं, जो अभी इमामों के अकाउंट में पहुंच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब लोगों को उनको मुबारकबादियां पेश करनी चाहिए कि ऐसा एक मुजाहिद आदमी, जो कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कांग्रेस टाइप के लोग कि साहब ये तो इलेक्शन का खेल था, उन्होंने इलेक्शन जीत लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहां, आप कौन सा इलेक्शन है बताइए, अभी भी तो उन्होंने दिया, मुस्तकिल देंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल साहब ने 37 करोड़ रुपए बजट दिया है, और सिर्फ इसलिए दिया है कि जो आइम्मा और मुअज्जिनीन हैं उनको आप दीजिए ये तनख्वाह, जो है तकरीबन 35 करोड़ के आसपास सालाना उनका खर्च है इमाम मुअज्जिनीन का, लेकिन सरकार ने 37 करोड़ रुपए बजट दिया जो जिंदगी में और तारीख में इन 72 सालों में पहली बार हुआ। बिल्कुल। तो कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये तनख्वाह तो इलेक्शन का मसला था वजीफे वाला, तो फिर मैं बार बार इस बात को वजाहत कर दूं कि तनख्वाह नहीं है वजीफा है। अगर हम इसको तनख्वाह 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 करते रहेंगे तो जो कमेटी वाली जो चाल है वो कह देंगे जब आपको वहां से तनख्वाह मिली तो हम नहीं देंगे। बहुत सारी कमेटियों ने उनके साथ नाइंसाफी की, उनको तनख्वाह जो वो दिया करते थे वो नहीं कि आपको तो वहां से मिली, जबकि ये तनख्वाह नहीं है, ये वजीफा है। उनको जो तनख्वाह वो दे रहे थे देनी चाहिए, ये वजीफा है। वक्फ बोर्ड सरकार से बात करके, चूंकि ये इस तरह के लोग हैं बेचारे जिनको बहुत कम पैसा दिया जाता है, जबकि ये बड़े लोग हैं, ये किसी से हाथ नहीं फैला करके मांग सकते, किसी से उधार नहीं ले सकते, अपना सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो ये जो वजीफा था 2 महीने का मजीद दे दिया है नवंबर दिसंबर 2019 का, बाकी कोशिश हो रही है जैसे ही हमारे पास बजट आएगा इंशाल्लाह ये इसको मुसलसल किया जाएगा। अच्छा एक बात मैं ये कह रहा था, जैसे मसला चल रहा है अभी अमानतुल्लाह भाई भी गए कब्रिस्तान में, गए मैनियान में, गए ओखले में, गए उन्होंने एक लिमिट बांधी कि ये इतने पैसे की रसीद इतने पटाव बताया, लेकिन सुनने में आज भी आ रहा है बड़ा अच्छा कदम है, निगाह ही बराबर रख रहे हैं कि अभी भी जो रसीद नहीं दे रहे लेकिन पैसे वही लिए जा रहे हैं जो वो लेते होंगे। तो इस सिलसिले में आप दो बातें करना, ये तो अच्छा कदम उठाया मान भाई ने। देखिए ये हम सब लोगों का मशवरा हुआ था, हमारे सबके सरपरस जो हैं जो बड़े हैं वो अमानतुल्लाह खान साहब, जब उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा करप्ट हो रहा है कब्रिस्तान के मामला को लेकर के, तो उन्होंने बाकायदा जाकर के उनसे बातचीत की, भाई अपना हिसाब जुड़वाओ, बिल्कुल आपका क्या हिसाब यहाँ लगता है, कितना आपके यहाँ मुलाजिमीन है, कितनी आपकी साल में आमद हो जाती है, कितने आप खर्च करते हैं। जब वहां जाकर के देखा तो 1800-2000 रुपए का खर्च एक कब्र में आता है। बिल्कुल ठीक है कि साहब इतना इतना ये होता है, कहाँ आता है कि साहब हमारे यहाँ चौकीदार हैं, हमारे यहाँ है, जब उसका फिर जोड़ करके देखा गया तब भी उनके पास पैसा बचा, पता ये चल रहा था किसी से 6000 किसी से 30000। अब आप बाकी बिल्ला में चले जाइए, बाकी बिल्ला कब्रिस्तान में वहाँ 50-50, 70-70 हज़ार रुपया लिया जाता है। आप मेहदियान में चले जाइए 25-25, 30-30 हज़ार रुपये जो है वो कब्र की फीस ली जाती है। तो और आगे वहाँ पंचबीरान में चले जाइए, वहाँ भी यही मामला है। आप दिल्ली गेट कब्रिस्तान में चले जाइए, यहाँ भी 5-5, 6-6 हज़ार रुपये फीस करते हो, फिर ये कहते हैं कि साहब वो तो खुद देता है। अरे जब आप कहोगे तो देंगे ना, आप यूँ कह दीजिए कि साहब हम फ्री करेंगे, मजाल कोई आपको पैसे दे दे। अब अमानतुल्ला खान साहब ने तमाम दिल्ली के जिम्मेदारों को बुला करके मशवरा किया कि हम इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से इस करप्शन को दूर कर सकते हैं। हम उनके इकदामात को सराहते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं अमानतुल्ला खान साहब को। जब आदमी इस दुनिया से जा रहा है कम से कम उनको तो मत लूटो यार, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे लोग गरीब भी हैं, आप चंदा कर लो, गरीबों को मत लूटो भाई। अच्छा एक मैं एक आखिरी सवाल ये करना चाह रहा था कि दिल्ली में 1 या 2 मुसाफिर खाने बचे हुए हैं, तो यहाँ भी एक मुसाफिर खाना है, तो किसके तहत चलता है और इसमें मुसाफिर आते हैं क्या? बहुत पहले यहाँ मुसाफिर खाना चला करता था, कमेटी इसकी जिम्मेदार है अभी भी जी। अभी हमने चाहा था कि ये जो खाली प्लॉट पड़ा है, अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले यहाँ एक झगड़ा हुआ था जी। तो ये स्कूल वाले इस प्लॉट को कब्जा करना चाहते हैं, 800 गज का प्लॉट है, अभी यहाँ झगड़ा भी हुआ था,
और ये समझ बैठे कि वो पुराने वाला वक्त बोर्ड होगा। मैं तमाम हजरात को जता और बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त अमानतुल्लाह खान है वक्फ बोर्ड का जिम्मेदार, वहाँ का चेयरमैन। इस वक्त कोई भी गड़बड़ी नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी। जैसे इन्होंने जब बोर्ड लगा करके यहाँ काम लग गया था, और उनकी नीयत ये है कि यहाँ अस्पताल में मरीज बहुत सारे आते हैं, यहाँ मुसाफिर खाना होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। जब उन्होंने ये नीयत की तो इनकी नीयत खराब हो गई और ये सोचा कि इसको हम कब्जा कर लें, बना करके कुछ ना कुछ बेच दें। ये इनकी तमाम नापाक हरकतों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा इंशाल्लाह। कल वक्फ बोर्ड ने इन लोगों के खिलाफ FIR की है, यहाँ इंशाल्लाह आप देखेंगे साल भर के अंदर अंदर यहाँ चमकता हुआ मुसाफिर खाना आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। आज आपकी तारीख मैंने भी याद रख ली, आप भी हमारी तारीख याद रखिए इंशाल्लाह। एक साल के अंदर जो भी मरीज मुसाफिर दूर दराज से आते हैं वह यहाँ ठहरेंगे और सस्ते दामों में ठहरेंगे। देखिए तो हमारे साथ आरिफ कासमी साहब, इन्होंने बहुत अच्छी ऐसी बात बताई जो अभी तक किसी ने नहीं बताई। हर आदमी कहता है कि प्राइवेट मसाजिद के इमामों की तनख्वाह, जबकि इन्होंने कहा है कि ये तनख्वाह नहीं बल्कि इसको वजीफ़ा कहते हैं। वजीफ़ा इसलिए कहा जाता है कि उन लोगों की मदद की जाए, क्योंकि उनको हमने सर्वे में देखा कि उनकी बहुत मामूली सी तनख्वाह है, दो दो ढाई ढाई तीन तीन हज़ार रुपये, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से गुजारा करते हैं। वजीफ़ा करने का यह है कि अगर तनख्वाह दी जाएगी तो जो प्राइवेट लोग होते हैं, जो कम वो बनी हुई होती है सोसाइटियों, कहते हैं आपको तनख्वाह तो वक्त बढ़ दे रहा, तो फिर हम तनख्वाह नहीं देते, और बहुत से लोगों ने इस तरह की तनख्वाह बंद भी की होगी। तो ये एक वजीफा होता है, पहले भी उन लोगों को दिया जाता है और आगे भी दे रहे हैं, और जैसे ही फंड में आएगा आगे ये देते रहेंगे। और कब्रिस्तान के हवाले से भी बताया कि इन्होंने बहुत अच्छी बात है, एक लिमिट रख दी है, और अमानतुल्लाह खान साहब ने सभी को बुलाकर जिम्मेदार लोगों को कहा कि इससे ज़्यादा यहाँ पर कब्रिस्तान में रसीद होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मरने के बाद कम से कम आदमी सुकून चाहता है, उस वक्त तो उसको छोड़ दो। और आखिर में उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही कि अरविंद हॉस्पिटल में दुनिया भर से जो है लोग मरीज़ आते हैं, हिंदुस्तान से बाहर से भी आते हैं, लेकिन यहाँ कम से कम एक मुसाफिर खाना तो होना चाहिए जो चलता था, और थोड़े बहुत लोग अब आते होंगे। बहरहाल उन्होंने कहा कि आप तारीख आज नोट कर लीजिए, और इंशाल्लाह एक साल बाद यहाँ ऐसा मुसाफिर खाना हो जो मरीज़ आएंगे ठहरेंगे और सस्ते दामों पर ठहरा करेंगे, और किसी के साथ कोई इम्तियाजी बरकत नहीं जाएगी, यहाँ पर हिंदू मुसलमान सभी लोग आते हैं मरीज़, और सभी यहाँ पर आकर ठहरेंगे, और इस मुसाफिर खाने की जो भी हो कम से कम उजरत पे यहाँ पर ठहरेंगे। दिल्ली से अमर अमीश।